नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर्स शो के 99th एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर एक, मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम बने हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष। निर्विरोध चुने जाने के बाद ज्ञानेंद्र पूर्वोत्तर भारत से हॉकी इंडिया का नेतृत्व करने वाले पहले अध्यक्ष बन गए हैं। वह 2 साल के लिए राष्ट्रीय महासंघ के प्रमुख के रूप में काम करेंगे। ज्ञानेंद्र पिछले 40 वर्षों से मणिपुर में हॉकी के अनुशासन से जुड़े हैं और फेडरेशन जमीनी स्तर पर उनके काम से प्रभावित है। वह हॉकी इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मणिपुर हॉकी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मणिपुर हॉकी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी रह चुके हैं। उन्होंने मणिपुर में एक दैनिक संध्या पत्र मियम के संपादक के रूप में भी काम किया है। नंबर दो, अमेरिका में पहली महिला उपराष्ट्रपति बनेंगी कमला हैरिस। 1964 में हैरिस का जन्म कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में हुआ था। उनकी माँ भारतीय और पिता जमैका के रहने वाले थे। माँ का नाम श्यामला गोपालन हैरिस था। उनके पिता डोनाल्ड हैरिस थे। डोनाल्ड हैरिस ब्रेस्ट कैंसर वैज्ञानिक थे। बताया जाता है कि कमला हैरिस की माँ कैंसर का इलाज कराने के लिए अमेरिका पहुंची थी। वहाँ उनकी मुलाकात डोनाल्ड हैरिस से हुई। कमला पहली बार 2003 में सैन फ्रांसिस्को के काउंटी की डिस्ट्रिक्ट अटर्नी चुनी गई थी। 55 साल की कमला हैरिस ने 1998 में ब्राउन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई पूरी की। 2003 में उन्हें सिटी और सैन फ्रांसिस्को के काउंटी की डिस्ट्रिक्ट अटर्नी के तौर पर चुना गया था। 2010 में कैलिफोर्निया की अटर्नी जनरल बनकर उन्होंने इतिहास रचा। वह पहली अश्वेत महिला थी जिन्होंने यह पद हासिल किया था। 2016 में वह दूसरी अश्वेत महिला के तौर पर US सीनेटर चुनी गई थी। नंबर तीन, सिचुआन टाइबे रेलवे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीनी अधिकारियों को अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के पास चीन प्रशासित तिब्बत के दक्षिण पश्चिमी प्रांत सिचुआन में एक नई रेलवे परियोजना के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया है। यह निर्देश देते हुए शी जिनपिंग ने कहा कि यह रेलवे परियोजना चीनी सीमा में सुरक्षा की स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तिब्बत में बन रही यह रेलवे परियोजना के बाद सिचुआन तिब्बत रेलवे तिब्बत में दूसरी रेलवे लाइन होगी। यह तिब्बत पठार के दक्षिणी पूर्व से गुजरेगी, जो कि दुनिया के सबसे सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। यह रेलवे लाइन अरुणाचल प्रदेश की सीमा के करीब स्थित है। भारत चीन सीमा विवाद 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा को कवर करता है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है। नंबर चार, IPL के फाइनल में पहुंची दिल्ली। IPL के दूसरे क्वालिफायर में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर हैदराबाद को 17 रन से हराकर पहली बार IPL के फाइनल में जगह बनाई है। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 179 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। शिखर धवन ने 50 गेंदों पर 78 और सिमरन हेटमायर ने 22 गेंदों पर नबाद 42 रन और मार्कस टॉइनिस ने 27 गेंदों पर 38 रन बनाए। जवाब में सनराइजर हैदराबाद 8 विकेट पर 172 रन ही बना सकी। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से तेज गेंदबाज करगिसो रबाडा ने 4 और स्टॉइनिस ने 2 विकेट हासिल किए। स्टॉइनिस को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब फाइनल मुकाबले में दिल्ली और मुंबई में भिड़ंत होगी। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया है। आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या झारखंड। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 29 अक्टूबर 2020 को भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया में खामियों को कम करना है। आप में से उनको बधाई जिन्हें सही जवाब मिले। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।